सबसे पहले नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के साए में अब पेट्रोल बांटा जाएगा। जी हां, पुलिस के साए में पेट्रोल बटेगा। आखिर क्यों ये नौबत आ गई? दरअसल आपको बता दें, हिट एंड रन और केस जो है, इसमें जो नया प्रावधान किया गया है कानून में, इसी को लेकर यह स्थिति बन रही है। वाहन चालकों की हड़ताल का असर, ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल का यह असर है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं है, और जहां है वहां पर आलम क्या है, यह स्क्रीन पर आप तस्वीर को देखकर समझ पाएंगे। पंप पर सैकड़ों वाहनों की कतार लगी हुई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं विवाद की स्थिति ना बन जाए और लोगों को पेट्रोल भी मिल पाए, इस लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब पुलिस के साए में पेट्रोल बांटा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाहन चालकों की हड़ताल का यह असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि टैंकर नहीं चल रहे हैं तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, और नहीं हो पा रही है तो पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। ऐसे में लोग जो हैं, जो बसों के जरिए सफर करते हैं, उन्होंने फिर से वाहन निकाले हैं, वाहन की टंकियां फुल कराने के लिए पहुंच रहे हैं, और नर्मदापुरम में तो ये हालात हो गए कि ये फैसला लेना पड़ा कि अब पुलिस के साए में पेट्रोल बांटा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बस और ट्रक के पहिए थमे हुए हैं, और ड्राइवर्स जो हैं सड़क पर विरोध जता रहे हैं, कई जगह जाम भी लगाया गया, चक्का जाम तक किया गया, और उसका असर देखिए, ये तस्वीरें नर्मदापुरम से आई हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या वाहनों की यहाँ पर नजर आ रही है, और लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के मद्देनजर यहाँ कोई विवाद की स्थिति ना बन जाए और सभी को पेट्रोल मिल पाए, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि पुलिस के निगरानी में, पुलिस के साए में पेट्रोल अब मिलेगा लोगों को। तो मध्य प्रदेश में बस और ट्रक के पहिए थम गए हैं, और हड़ताल की वजह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। ड्राइवर्स ने सड़क पर विरोध जताया, हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों से इंदौर में पुलिस की झड़प भी हो गई, जो प्रदर्शन कर रहे थे। ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से लोग भी खासे परेशान हुए। ये मध्य प्रदेश की चार तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में ड्राइवर्स की हड़ताल है। नए कानून के विरोध में बस और ट्रक्स के ड्राइवर्स ने हड़ताल की हुई है। इसका असर अब दिखने लगा है। खंडवा में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया, जबकि मुरैना में इन लोगों ने धरना दिया। वहीं भिंड में सुभाष तिराहे पर चक्का जाम किया गया। कुछ ऐसा ही आलम इंदौर में दिखा। ड्राइवर्स के चक्का जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, लिहाजा पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। विजयनगर में पुलिस के लाठी चार्ज के बाद मामला शांत हुआ। उधर भोपाल में ड्राइवर्स की हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर दिखा, जहां लोग पेट्रोल डीजल की किल्लत के डर से अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराते दिखे। ट्रकों की देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर अब लोग जो है वो आशंकित हैं कि जो यातायात के लिए उनको सबसे आवश्यक जो चीज़ है पेट्रोल, उसकी आवागमन में परेशानी आ सकती है, और ऐसे में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो सकती है, और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर जो है वो भीड़ देखी जा रही है। बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं वो पेट्रोल पंप पर लग गई हैं। लोगों को ये आशंका है कि उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बड़े शहरों में जबलपुर में भी ड्राइवर्स की हड़ताल का असर दिखा। बस स्टैंड पर सन्नाटा दिखा। आईएसबीटी पहुंचे यात्री परेशान नजर आए। मंदसौर में ड्राइवर्स की वजह से महाराणा प्रताप बस अड्डे पर लोग परेशान होते रहे। यहां बस स्टैंड पर ड्राइवर्स ने जाम लगाया हुआ था। बड़वानी में हालात 300 बसों के पहिए थम जाने के बाद और बिगड़ गए हैं। यहां 3 दिन तक स्ट्राइक चलेगी, और खास बात ये कि यहां की बसें, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र भी जाती हैं, परेशानी पैदा करेंगी।
उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पूरे देश से लोग पहुंचते हैं, लेकिन ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से बाहर से आने वाले यात्री खासे परेशान दिखे। ड्राइवर्स की हड़ताल का मध्य प्रदेश में असर दिखा है, लोग परेशान हो रहे हैं। नए कानून में सख्त प्रावधान है और यही वजह है कि ड्राइवर्स इसके खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उधर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ड्राइवर्स की स्ट्राइक पर बयान दिया है, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। तो केवल उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो हमारे हड़ताली साथी हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, एक नागरिक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, कि ये चक्का जाम इस तरह की चीजें एक अंतिम विकल्प होता है। अभी शुरुआती दौर पर इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है और कानून बनने का मतलब आपको सजा मिलेगी, ये कभी नहीं होता। और छत्तीसगढ़ में भी ड्राइवर्स की हड़ताल का खासा असर दिखाई दे रहा है, यहां पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुसीबत उन वाहन मालिकों को हुई जिनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं था और वो पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे। कुछ लोगों को लंबी लाइन में लगने और कड़ी मशक्कत के बाद डीजल और पेट्रोल नसीब हो गया, तो कई लोगों को घंटों इंतजार और लंबे वक्त तक लाइन में लगने के बावजूद तेल नहीं मिल पाया। कई जिलों में पेट्रोल पंप खाली हो गए और लोगों को निराश लौटना पड़ा। आपको बताएं कि नए हिट एंड रन कानून को और सख्त बनाया गया है, जिसके तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और इसी के विरोध में ट्रक यूनियन समेत ड्राइवर्स हड़ताल पर रहे, कई जगहों पर चक्का जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया और इसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम भी लगा। रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, गरियाबंद की तस्वीर आप देखेंगे। और चलिए बात है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव।